पेरेंट पेरेंट में कैलेक्स और कोरोला जो है डिफ्रेंशिएट नहीं होते, और इसके हर मेंबर को जो कि प्रेजेंट आपके बल्स में प्रेजेंट होते हैं उनको हम जो है टेपल कहते हैं। तो ये आपके जो है फ्री भी हो सकते हैं फ्यूज्ड भी हो सकते हैं। तो फ्री फॉर्म को पॉलीफाइलस कहते हैं जबकि फ्यूज्ड फॉर्म को आप केमोफाइलस कहते हैं। अगर ये ग्रीन कलर के हैं तो सेफेलोइड कहलाते हैं, और अगर ये ब्राइट कलर के जैसे पेटल होते हैं तो आपके पेटेलोइड्स कहलाते होते हैं। लोडिक्यूल्स जो आपकी व्हाइट शाइनिंग स्ट्रक्चर होती है आपकी पेरेंट की, जो कि आपकी वीट और ग्रासेस में दिखाई देती है। तो यहाँ पे जब हम फ्री फॉर्म की बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल आपका इलिम सेटिवम है, यानी गार्लिक की बात करें, और फ्यूज फॉर्म में एलिम सिप्पा आता है। ग्रीन फॉर्म का इसका जिसमें टेपल आपकी ग्रीन है इसका एग्जाम्पल चिनोपोडियम है। जबकि आपके जो पेटेलोइड हैं जो तो कलर्ड टेपल्स हैं वो आपके क्लोरोसा स्पोरवा में मिलते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है कि चिनोपोडियम में आपके ग्रीनिश होती है आपके टेपल्स। यहाँ आपके भी इस फ्लावर में आपके जो सेपल और पेटल है वो डिस्टिंक्ट नहीं दिखाई दे रही। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा दीज आर द टेपल पेरिएंथेसिस की। जबकि ग्लोरियोसिस स्पोरवा में भी आप कैलिक्स क्रोला अच्छे से नहीं दिख रहा है, तो इसमें जो है ये डिस्टिंक्ट नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पेरेंट में जो ये डिस्टिंक्ट नहीं होती, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक ही दिख रहा है आपको, दैट इज द कलर, नीचे से येलो से ऊपर से रेडिश है, फिर आपको एंथर दिख रही है। तो ये आपका पेरिएंथ है जो आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि इसमें जो सेपल पेटल आपके डिस्टिंक्ट नहीं है। तो आपके क्लोरोसिस प्रॉब्लम में पेटेलोइड्स हैं, यानी कि ये कलर है जो आपको दिख रही है। एस्टिवेशन एस्टिवेशन जो होता है मोड ऑफ अरेंजमेंट होता है सेपल या पेटल का इन ए फ्लावर बड। तो ये जो डिफरेंट टाइप के होते हैं ओपन, जिसमें सेपल पेटल लोब जो क्वाइट अ पार्ट होते हैं, वेलवेट ट्विस्टेड इम्ब्रिकेट पेचली और क्विन प्लीस है। ओपन को हम कई बार एस्टिवेशन में काउंट नहीं करते क्योंकि इसमें लोब बिल्कुल ही सेपरेट होते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द एस्टिवेशन। तो फर्स्ट वन इज द वेलवेट एस्टिवेशन। वेलवेट एस्टिवेशन में जो है आपकी ओपन काइंड एस्टिवेशन होती है जिसमें फ्लावर की सेपल और पेटल, क्योंकि सेपल और पेटल में जो है आपके ये ओनली जस्ट अटैच्ड होते हैं थ्रू द मार्जिन इन ए सिंगल वॉल, और उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता। तो आप ये कह सकते हैं कि जो कैलिक्स और कोरोला के एज हैं किनारे हैं वो काफ़ी क्लोज होते हैं आपके फ्लावर बड के अंदर, लेकिन ये एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करते। एग्जाम्पल इसके मस्टर्ड अनोना कैलोटोपिस फ्लावर। तो दिस इज दिस वन। तो आपका जैसे कि यहाँ पे मिमोस ऑफ डिका है, यहाँ पे आपको सारी चीजें जो है फ्री दिखाई दे रही या एक दूसरे के ओवरलैप नहीं करे। तो वेलवेट में यही है कि आपके सेपल हो या पेटल हो वो आपके ओवरलैप नहीं करेंगे, जस्ट इनकी मार्जिन जो है आपके टच करेंगे एक दूसरे को। तो इसके एग्जांपल मिमोसा मस्टर्ड अनोना कैलोट्रोपिस फ्लावर। सेकंड आपको आता है कंटोर्टेड ट्विस्टेड या कन्वोल्यूटेड एस्टिवेशन। तो इसमें क्या है कि जो आपके सेपल हैं या पेटल के जो एजेज हैं किनारे हैं वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे। तो ये रेगुलरली ओवरलैप करते हैं नेबरिंग मेंबर के साथ ऑन वन साइड, यानी कि आपकी दोनों साइड जो है ओवरलैप नहीं हो रही, एक साइड जो है आपका ओवरलैप होगा। एग्जाम्पल है इसकी नेरियम चाइना रोज। तो जैसे कि मैंने कहा कि भाई ये ओवरलैप होते एक तरफ से, यानी कि एक तरफ जैसे कि आपका चाइना रोज का ही दिख रहा है कि एक तरफ आपका ये ऊपर है और दूसरी तरफ नीचे है, ठीक है। तो ये ओवरलैप करें अर्जेंशन पेटल की, तो यही आपकी स्ट्रक्चर जो आपकी ट्विस्टेड में आते हैं कि आपका एक किनारा जो है नेबर वाले के साथ अपर साइड है तो दूसरा किनारा जो है लोअर साइड है, तो ये ट्विस्टेड होगी। तीसरा आपका था इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में जो आउटर मोस्ट वॉल है जैसे सेपल या पेटल का वो ओवरलैप करते हैं ओवरलैप करते हैं। तो इसमें जो है कुछ जो बिल्कुल इनसाइड होंगे कुछ बिल्कुल आउटसाइड होंगे,
बाकी जो है एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे। तो ये जो नॉन स्पेसिफिक होता है, तो इसमें कॉमन दो टाइप के होते हैं, डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट और असेंडिंग इम्ब्रिकेट। इसका एग्जाम्पल है गुलमोहर। तो इम्ब्रिकेट में यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो पोस्टीरियर पेटल है वो ओवरलैप्ड बाय द टू एंटीरियर पेटल। तो इसमें क्या दिख रहा है कि एक तो बिल्कुल आपका आउटसाइड में, ठीक है, और एक बिल्कुल अंदर है, बाकी जो तीन होती हैं वो ओवरलैप करते हैं। तो ये आपकी जो है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन की एग्जाम्पल है केशिया सिसलपिनिया। तो इसमें भी हम जब इम्ब्रिकेट की बात करते हैं तो इसमें भी हम जो दो टाइप के पढ़ते हैं कि एसेंडिंग और डिसेंडिंग। तो डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट में जो होते हैं आपकी वेक्सिलरी या पेपिलियोनेसिस टाइप के होते हैं, इसमें ओवरलैपिंग होती है पेटल्स की स्टार्ट फ्रॉम पोस्टीरियर एंड टू इंटीरियर एंड, यानी कि पोस्टीरियर एंड जो है बड़ा होगा और आगे जो है छोटे छोटे होते जाएंगे। तो इसमें और पोस्टीरियर पेटल जो है इंटरसेक्ट करते हैं मार्जिन ऑफ टू लेटरल पेटल्स। ए पेयर ऑफ स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल्स आर ओवरलैप्ड बाय द टू लेटरल पेटल्स और विंग्स। जो लार्जेस्ट होगा और पोस्टीरियर पेटल होगा वो कंप्लीटली आउटसाइड होगा, और जो इनर की साइड इंटीरियर पार्ट है वो बिल्कुल अंदर की साइड होगा। एग्जाम्पल है डेफ्रोशिया, प्रोटोलेरिया, डोलिकोज। नॉर्मली इस टाइप के फ्लावर जो आपके पेपिलियोनेसी में मिलते हैं, तो इसलिए जो है इसको पेपिलियोनेसियस भी कहते हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल दिखाया गया है कि जो ये पोस्टीरियर वाला है ये आपका लार्ज में और आपका जो है बिल्कुल आउटसाइड में दिखाई दे रहा है। इसके साथ जो ये नीचे है जैसे जैसे इनका साइज भी छोटा हो रहा है अंदर की तरफ ये आपके स्मॉल हो रहे हैं और आपके कवर करें। तो यहाँ पे जो पोस्टीरियर पेटल हो गया ये आपका ओवरलैप कर रहा है इंटीरियर वाल पेटल्स को। तो इसके एग्जाम्पल पेपिलियोनेसिस की फैमिली मेंबर है, तो इसमें पी लथेरस अफाका, ठीक है। तो ये सारे जो है आपके वेक्सिलरी एस्टिवेशन के आपके जो है एग्जाम्पल। क्विन क्विंसल या असेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, तो इसमें ओवरलैपिंग होती पेटल की बिगिन फ्रॉम एंटीरियर एंड टू पोस्टीरियर। ध्यान दें उसमें था पोस्टीरियर से इंटीरियर में, यहाँ पे इंटीरियर से पोस्टीरियर एंड की तरफ है। द वॉल ऑफ पेरियंथ इज स्पाइरली अरेंज्ड एंड नॉट इन ए सिंगल वॉल। तो और पोस्टीरियर पेटल जो है वो आपके फर्स्ट इंटरसेक्ट करते हैं बाय मार्जिन ऑफ टू लेटरल पेटल विच इन टर्न इज इंटरसेक्टेड बाय एंटीरियर पेयर ऑफ पेटल्स। जो आपके और पोस्टीरियर पेटल होते हैं वो एंटायरली इनसाइड होते हैं, जो टू लेटरल पेटल्स होते हैं वो पार्शली एक्सटर्नल होते हैं, और जो वन ऑफ द टू एंटीरियर पेटल्स है वो कम्प्लीटली आउटसाइड होते हैं। तो एग्जाम्पल इसका केशिया डेलोनिक्स। तो जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि इसमें दो तो बिल्कुल आपके इंटरनली है, ठीक है, और दो बिल्कुल एक्सटर्नली है, और एक जो है ओवरलैप करता है, ठीक है। तो आपकी जब हम डिसेंडिंग की बात करते हैं तो डिसेंडिंग में तो सारे अंदर की साइड होते हैं, यानी कि पोस्टीरियर वाले जो है इंटरनल वाले को ओवरलैप करते रहते हैं। लेकिन क्विन क्विंसल में क्या है कि दो आपके जो है पेटल या सेपल बिल्कुल अंदर होंगे, दो जो है आपके बिल्कुल एक्सटर्नल होंगे, एक जो है आपका ओवरलैप करेगा। तो दैट इज द क्विन क्विंसल। इसका एग्जाम्पल है गुआवा। तो दैट इज ऑल कि आपकी एस्टिवेशन वेलवेट में आपकी जो है ओवरलैप नहीं करेंगे, बिल्कुल फ्री होंगे, ओनली जस्ट टच करेंगे एक दूसरे को। सेकंड ट्विस्टेड है, ट्विस्टेड में आपकी जो है ओवरलैपिंग होगी एक दूसरे के साथ। थर्ड आपका है इम्ब्रिकेट, इम्ब्रिकेट में एरेगुलर ओवरलैपिंग होती है जिसमें आपका कुछ सेपल बिल्कुल एक्सटर्नल होते हैं, एक आपका एक्सटर्नल होता है, एक इंटरनल होते हैं, बाकी तीन जो है आपके ओवरलैपिंग होते हैं। तो इसमें भी असेंडिंग और डिसेंडिंग आ जाती है। असेंडिंग में आपका क्वीन क्विंसल होता है, क्वीन क्विंसल में दो पेटल आपके बिल्कुल अंदर होंगे, दो आपके बिल्कुल बाहर होंगे, और एक पेटल आपका जो है ओवरलैप करेगा। जबकि वेक्सिलरी की बात करते हैं तो इसमें पोस्टीरियर पेटल जो होते हैं वो आपके इंटीरियर वाले पेटल को कवर कर लेते हैं।
तो जो पोस्टर वाला होता है वो लार्ज साइज का होता है, और जो लेटरल वाले होते हैं इंटरनल होते हैं वो आपके जो है बिल्कुल स्मॉल साइज के होते हैं। तो दैट इज एस्टिमेशंस।